एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल में मैं गौतम आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको तुलसी के बीज को कलेक्ट करना सिखाएंगे, साथ ही हम आपको तुलसी के सीड से कैसे आप पौध लगा सकते हैं वो भी करके दिखाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो आप क्लिप देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। क्या पहचानते हैं ये कौन सी तुलसी है? शायद आपने ठीक पहचाना, ये तुलसी जो है श्याम तुलसी है, क्योंकि इसके पत्ते जो है नॉर्मल तुलसी की हरे पत्तों से अलग थोड़े श्याम कलर के हैं या काले हैं। शायद इसीलिए इस तुलसी को कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है। अफसोस है कि ये तुलसी अब हमारे बीच नहीं रही। इसे हमने काफी नर्सरियों में घूमकर ढूंढकर 2009 में अपने घर में लगाया था और ये करीब हमारे यहाँ जो है 8 साल चली और इसी 2017 की सर्दियों में ये हमारे बीच नहीं रही। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि श्याम तुलसी में काफी औषधीय गुण होते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सुबह खाली पेट 11 श्याम तुलसी की पत्तियां खाएं तो सारे रोग आपसे दूर रहते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये तुलसी जो है आसानी से आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको 3 से 4 नर्सरियों तक के चक्कर लगाने पड़े तब जाके आपको तुलसी मिले, लेकिन इसके औषधीय गुणों को देखते हुए मेरे ख्याल से आपको प्रयास करके इसी तुलसी को अपने घर में लगाना चाहिए। आज जुलाई की 7 तारीख है और मानसून करीब करीब पूरे भारत में फैल चुका है। ये समय बिल्कुल उपयुक्त है किसी भी नए पौधे को स्टार्ट करने के लिए और तुलसी तो इस मानसून में काफी आसानी से लग जाती है। मैं आपके साथ में एक नर्सरी वाले की बात शेयर करना चाहूंगा। उसने मुझे बताया कि कैसे वो तुलसी के सूखे बीज ऐसे जमीन पे फेंक देता था और कुछ दिन बाद उसमें तुलसी उग जाती थी और वो उसी तुलसी को काफी महंगे दामों में अपने ग्राहकों को बेच देता था। मेरा मकसद आप लोगों से ये बात शेयर करने का ये है कि आप ये जान लें कि तुलसी को मानसून में लगाना बहुत ही आसान है और आप अगर तुलसी आपके पास है तो आप अपने यहाँ पे तुलसी की छोटी छोटी पौध को तैयार करके अपने रिलेटिव्स में अपने फ्रेंड्स में बांट सकते हैं। ये काफी अच्छा काम होगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से सीड मांग के आप अपने यहाँ पे तुलसी की पौध लगा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम लोग तुलसी के बीज कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हम पहले तुलसी के फूल या जिसको मंजरी भी कहते हैं वो लेंगे। ध्यान रखें आप जो मंजरी लें वो ब्राउन कलर की सूखी भी होनी चाहिए। आप इसको बीज निकालने से पहले एक दिन के लिए सुखा के लिए रख दें, लेकिन चूंकि हमने ये वीडियो बनाना था तो हम इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। तुलसी के बीज काले रंग के होते हैं जिनका साइज सरसों के दाने से छोटा होता है। इनको निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आप इन सूखी मंजरियों को उंगलियों के बीच में सावधानी से धीरे से मसल के इन बीजों को बाहर निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इस मंजरियों को बगैर एक दिन की धूप दिखाए बगैर सुखाए इनमें से बीज निकाल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अगर आप इसको सुखा कर निकालेंगे तो ये और भी आसानी से निकल जाएंगे। इस तरीके से जब तुलसी के बीज निकल जाए तो आप इसके छिलकों को अलग कर लें और बीज को अलग कर लें। वैसे आप तुलसी के बीज को इन छिलकों के साथ भी बो सकते हैं, उससे भी पौधे निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप अलग करके इनको बोएंगे तो उसका आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। अब हम तुलसी के इन बीजों को जर्मिनेशन करने के लिए गमलों में लगाएंगे। इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम आधे बीजों को कोकोपीट में लगाएंगे और आधे बीजों को हम लोग जो है पुराने गमले की मिट्टी में लगाएंगे। इसके लिए हमने एक लंबा गमला लिया है जिसकी हाइट करीब 6 इंच है। इसको गत्ते के पार्टीशन से हम लोग उसको दो भाग में हमने इसको बांट लिया है। हम एक हिस्से में इसमें मिट्टी डाल रहे हैं और दूसरे हिस्से में हम इसमें कोकोपीट डालेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग देखना चाहते हैं कि सीड्स का जर्मिनेशन गमले की मिट्टी में ज्यादा अच्छा होता है या कोकोपीट में ज्यादा अच्छा होता है अगर बाकी की सारी कंडीशंस सेम रहती हैं। यहाँ पे हमने जो मिट्टी इस्तेमाल की है वो गमले की पुरानी मिट्टी है। उसका कारण यह है क्योंकि एक तो मिट्टी तैयार मिट्टी है जिसके अंदर में काफी टाइम से कंपोस्ट वगैरह डाल के उसमें पोषक तत्व तो हमने डाले हुए हैं। दूसरा हमें ये पता रहता है उस मिट्टी के बारे में कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर जिस पौधे से हमने ली अगर उसमें बीमारी ना हो तो ये जो मिट्टी है ये जो पौध बनेगी उसमें भी कोई बीमारी नहीं डालेगी। इसलिए मेरी राय आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपके पास में कोकोपीट नहीं है तो आप पुराने गमले की एक स्वस्थ पौधे के गमले की मिट्टी का इस्तेमाल करें। हमने तुलसी के सीड्स को दो भागों में बांट लिया है। अब हम इसे कोकोपीट की लेयर पर और मिट्टी की लेयर पर बिछा देंगे। इसके लिए हमने कोई खास तरीका इस्तेमाल नहीं किया, हम ऐसे ही इसको एट रैंडम मिट्टी की सतह पर और कोकोपीट की सतह पर बिखेर देंगे। बीज को बिछाने के बाद हम इसको हल्की कोकोपीट की लेयर और हल्की मिट्टी की लेयर से ढक देंगे। कोकोपीट वाले पार्ट को कोकोपीट की लेयर से ढकेंगे और जो मिट्टी वाला पार्ट है उसको मिट्टी की लेयर से ढकेंगे। हमें इसके ऊपर ज्यादा मोटी मिट्टी की लेयर नहीं डालनी है क्योंकि इसका बीज बहुत ही छोटा है और हम नहीं चाहेंगे कि ये मिट्टी के बीच में दब जाए और जर्मिनेशन होने में प्रॉब्लम हो। इसलिए बहुत ही हल्की सी लेयर हम लोग डालेंगे जिससे कि आसानी से जर्मिनेट होकर मिट्टी से ऊपर निकल आए। किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए बाहर से पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती है। उसके अंदर में
खुद ही वो पोषक तत्व प्रकृति ने डाले होते हैं जो उसको जर्मिनेट करके और थोड़ा सा बड़ा पौधा बनाने के लिए काफी होते हैं। और वैसे भी जब तक पौध की जड़ें नहीं डेवलप होंगी तब तक वो पोषक तत्वों को लेगा कहां से। लेकिन कहते हैं ना कि दिल जो है दिमाग की नहीं सुनता है। दिमाग कह रहा है कि इस समय इसको पोषक तत्वों की जरूरत नहीं है, मगर दिल कह रहा है कि भाई थोड़ी सी खाद तो डालनी चाहिए। इसलिए हम दिल की बात मानकर एक हल्की सी लेयर वर्मी कंपोस्ट की इसके ऊपर दोनों हिस्सों में बिछा देंगे। अब बारी है पानी डालने की। पानी डालने के लिए हम लोग एक प्रेशर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। हम उसकी सेटिंग का बिल्कुल ही जीरो रखेंगे जिससे कि इसमें जो पानी निकले वो एकदम मिस्ट की तरह निकले, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदों की फुहार इसके ऊपर पड़े जिससे कि इसके ऊपर की जो लेयर है वो डिस्प्लेस ना हो, वो हटे ना और जो बीज है वो भी हिले ना। जो लोग सीरियसली गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रेशर स्प्रे एक बहुत ही जरूरी हथियार है। इससे आप सीड्स लगाते हुए पानी डाल सकते हैं, इसमें आप छोटे पौधों में पानी डाल सकते हैं, इससे आप अपने पौधों पे किसी दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, आप सीवीड का छिड़काव कर सकते हैं, आप इससे एनपीके का छिड़काव कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी यूजफुल एक टूल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको जरूर खरीदिए। आप चाहें तो इसे हमारी वेबसाइट पे उचित दामों पे मंगा सकते हैं और ये आपको घर बैठे ही आप तक पहुंच सकता है। तुलसी का बीज जो है आइडियल टेम्परेचर में 1 से 2 हफ्ते के बीच में जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट होने के करीब 2 हफ्ते में इसमें 8 से 10 पत्तियां निकल जाती है और ये सही टाइम होता है इसको किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए। आइए हम उसको दिखाते हैं कि इसको आप कैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तुलसी का पौधा हर प्रकार की मिट्टी में उग जाता है, बस इसे आप मिट्टी में आधी मात्रा में कंपोस्ट मिलाकर दें तो इसकी ग्रोथ काफी अच्छी रहती है। मेरी राय में तुलसी में किसी प्रकार की भी कोई केमिकल खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग दवाई के रूप में करते हैं और उसमें अगर हम केमिकल खाद डालते हैं तो इससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अभी जो आपके सामने हमने तुलसी का पौधा ट्रांसप्लांट किया है उसमें हमने कुछ गलतियां की हैं। क्या आप बता सकते हैं हमने क्या गलतियां की हैं? पहले तो आप देख रहे हैं जो हमने पानी डाला है उसके बाद मिट्टी में से हवा के बुलबुले निकल रहे हैं। इसका मतलब हमने मिट्टी को ठीक से बैठाया नहीं है, उसके अंदर गैप रह गया है और वहां की हवा जो ट्रैप थी वो पानी डालने की वजह से निकल रही है, ये गलत है। दूसरा, आप देखेंगे जो इसका पानी है वो काफी ज्यादा नीचे से निकल रहा है, उसके साथ में मिट्टी में से पोषक तत्व भी निकल रहे हैं जो आपको पानी के कलर के हिसाब से पता चल रहे होंगे। ये भी तरीका गलत है। अगर हमने इसमें पानी डाला तो हमें ध्यान रखना चाहिए था कि मिट्टी में कितनी नमी है उसके हिसाब से हमें पानी देना चाहिए था, लेकिन हमने इसमें ज्यादा पानी दे दिया। आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग गमलों में ज्यादा पानी डालते हैं और सारा पानी नीचे से निकल जाता है, तो केवल पानी ही नहीं निकलता, गमले में जो कम न्यूट्रिशन होते हैं उनको अपने साथ बहा के भी ले जाता है। तो हमें पानी देते हुए इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम उतना ही पानी दें कि जिससे कि गमले में नमी बनी रहे और वो गमले के न्यूट्रिशन को बाहर ना बहा दे। तुलसी के बीज कलेक्ट करने और तुलसी के बीज से पौधा बनाने के इस वीडियो में आज इतना ही। मेरी रिक्वेस्ट फिर से रहेगी आप लोगों से कि मेरे पुराने वीडियो को आप लोग जरूर देखें, उनमें भी आपको काफी लाभदायक जानकारी मिलेगी जो आपके किचन गार्डनिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा करेगी और आपके किचन गार्डन को बेहतर बनाएगी। मेरे पिछले वीडियो मिर्ची को सीड से गमले में कैसे उगाए, उस लोगों को आपने काफी प्यार दिया, सराहा और आप लोगों ने काफी ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, मेरे उस वीडियो को लाइक भी किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद है इसको भी आप अपना प्यार देंगे और मेरा हौसला इसी तरह से बढ़ाएंगे। मैं गौतम शशि के साथ अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।